हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें है z इज इक्वल टू 4 - 3i/2 + 4i। अब हम हमारे पास 2 + 4i है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4i के साथ, ठीक है। हमने जब 2 - 4i के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 को जब हम मल्टीप्लाई 4 के साथ करें तो 8 आ जाएगा, और 3 को जब अब हमने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16i आ जाएगा, और जब इसी तरह हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i आ जाएगा, और जब हम 3i को 4i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i आ जाएगा, i का स्क्वायर। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, और 4i के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4i स्क्वायर आ गया। अब हमने 8i है और -16i है और -6i है, जब हम 16i में +6 करेंगे तो हमारे पास -22i आ जाएगा, और +12 है और i का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इस वजह से -1, और 2 का जब 2 का स्क्वायर खोला जाए तो 4 आता है, और 4 का जब स्क्वायर खोला जाए तो -16 और i का स्क्वायर इज इक्वल टू -4। जब हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है -4, क्योंकि हमारे पास जब माइनस माइनस आ जाना तो माइनस का 12 में से जब माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 4 और -22i/4 + 16। जैसे कि 16 को क्योंकि आई स्केयर -1 के बराबर होता है तो हमारे पास को कैंसिल हो गया, इस वजह से माइनस प्लस होकर +16 इज इक्वल टू -4 - 22i/20 इज इक्वल टू -4/20 - 22/20 इज इक्वल टू, ये 4 का 2 के टेबल में कैंसिल हो गया तो 1/5 आ गया माइनस का, और 12 के टेबल में 20 यानी कि हर पास 10 के टेबल में 2 के टेबल में 2 1 2 2 1 2 2 1 0 का 0, और इसके साथ -11/10 और i, ठीक है। अब हमने इसमें मालूम करना है z कंजुगेट, z + z कंजुगेट, z - कंजुगेट और z कंजुगेट। जी हमने मालूम करना है हमारे पास जी का जिक्र किया -1/5 - 11/10 i इज इक्वल टू -1/5 + 1/10 i, ये हमारे पास ये मालूम हो गया। अब हमारे पास है z + z कंजुगेट, अब हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा -1/5 - 11/10 i इज इक्वल टू -1/5 - 11/10 i इज इक्वल टू -1/5 - 1/5 - -2/5, क्योंकि हमारे पास प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होगा, इसलिए हमारे पास माइनस का 1/5 - 1/5 और हमारे पास माइनस का 2/5 आ जाएगा। आगे हमारे पास है z - z कंजुगेट इज इक्वल टू -1/5 - 11/10 i - -1/5 - -1/5 - -11/10 हमारे पास -1/5 + 1/5 कैंसिल हो गया, इसके बाद पास है -11/10 i - 11/10 i इज इक्वल टू -22/10 i इज इक्वल टू -11/5 i, यानी कि ये हमारे पास है 11/22 को हम और ओवर 10 i आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास है 11/5 i। अब अगर हमारे पास है z कंजुगेट माइनस, हम इस तरह रकम लिखेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, यानी कि हम 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 25 आ जाएगा, जब हम 1 को 11 के साथ तो 50, जब हम 10 को 5 के साथ तो 50, 11/5 जब हम 11/10 को 11/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21/100 आई स्क्वायर आ जाएगा, और 1/50 25 इज इक्वल टू ये वाला 11/50 और 11/50 ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है -21/100 और -1 इज इक्वल टू 1/25 + 21/100 इज इक्वल टू 4 + 21/100 इज इक्वल टू 125/100। जब हम इसे 25 के टेबल में कैंसिल करें तो ये हमारे पास 5/4 आता है, इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।